जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का ज्ञान एंड टेक चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका फ़ोन स्लो हो जाता है तो हमको फ़ोन बदलना चाहिए या फिर आप पुराने फ़ोन को ही नई स्पीड के साथ दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने फ़ोन को नई स्पीड के साथ और न्यू फ़ोन के जैसे अपने फ़ोन को रन कर पाएंगे। सबसे पहले टिप यह है कि आप जो अनवांटेड फाइल्स और अनवांटेड फ़ोटोज़ वगैरह हैं उनको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग जो है अपने फ़ोन की कुछ स्पीड को इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आपको ये सब फाइल्स चाहिए तो आप गूगल ड्राइव में इन सब फाइल्स को सेव कर लीजिए। गूगल ड्राइव में आप अपनी सारी फ़ोटोज़ और जो भी फोल्डर्स वगैरह हैं आसानी से सेव कर सकते हैं, और जो भी अनवांटेड फाइल है उसके बाद डिलीट कर दीजिए। और एक गूगल फाइल करके ऐप आती है, उससे जो भी डुप्लीकेट फाइल्स हैं वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके व्हाट्सएप वगैरह में चैट वगैरह आते हैं उसमें भी काफ़ी अनवांटेड फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, उसको भी आप सेलेक्ट करके सब डिलीट कर दीजिए। उससे आपकी जो फाइल वगैरह है वो डिलीट हो जाएगी और फ़ोन की जो मेमोरी है काफ़ी हद तक रिलीज़ होगी, उससे आपकी फ़ोन की जो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और नेक्स्ट जो स्टेप ये है कि आप अनवांटेड जो ऐप्स हैं उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद जो आप लोग फ़ोन की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देख पाएंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अगर यूज़ करना चाहते हैं कुछ ऐप्स को तो उनकी जो लाइटर वर्जन है उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसबुक लाइट और इंस्टाग्राम, ये लाइट वर्जन में आते हैं तो आप इनको इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें ज़्यादा मेमोरी यूज़ नहीं होती है तो आप इसको आसानी से यूज़ कर पाएंगे और फ़ोन की मेमोरी भी आपकी रिलीज़ रहेगी और फ़ोन की स्पीड भी जो है वो एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोग जो फ़ोन है वो उसको एक बार रीस्टार्ट कर दीजिए, उससे भी जो आपकी ऐप्स रन कर रही थी वो स्टॉप हो जाएंगी और फ़ोन की जो स्पीड है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। और एक स्टेप है कि आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके, जो फैक्ट्री रीसेट के बाद डेटा है वो सब रिमूव हो जाएगा, उससे भी आपकी फ़ोन की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग एक बार ये ट्राई करिए जिससे आप लोगों की फ़ोन जो है वो काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छी स्पीड में चलने लगेगा, आपको नए फ़ोन की काफ़ी टाइम तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और टाइम टाइम पे आप लोग अपने फ़ोन की जो कैचे फाइल होती है उसको रिमूव करते रहिए, जिससे भी आपकी फ़ोन की मेमोरी है वो फुल हो जाती है। और अगर वो आप टाइम टू टाइम क्लियर करते रहेंगे तो फ़ोन की जो मेमोरी है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ रहेगी और आप लोगों को फ़ोन चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है आप लोगों को ये सारी जानकारियाँ पता हो, लेकिन फिर भी आप एक बार ये चीज़ें ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी फ़ोन की मेमोरी है वो इम्प्रूव ज़रूर होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ऑल में जाकर के सेलेक्ट करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।